अधिक से अधिक दर्शक जुड़ जाएं हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पे। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें अमन मीणा के घर से। अमन मीणा की माँ आज बाणवास स्थित पंचायत समिति के पास पानी की टंकी पर चढ़ गई थी और प्रशासन से दवाई की मांग करने लगी। और अभी हम हैं अमन मीणा के घर पर और ये 7-8 साल से DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से पीड़ित है। और आज इनकी माँ दुखी होकर पानी के टंकी पर चढ़ गई थी सुबह। जिला कलेक्टर के आश्वासन पर तहसीलदार महोदय ने इनकी बात करवाई पानी पे की टंकी पर चढ़कर। तो इनसे बात करेंगे हम। पहले तो बात करेंगे उनकी माँ से। इनका नाम है सुनीता मीणा और इनके हस्बैंड भी यहाँ पर ही है। तो आज क्या बात हुई आपकी, जब आप टंकी पे चढ़ी, किन कारणों को लेकर टंकी पे चढ़ी आप? बच्चे के इलाज के लिए मतलब नौ क्या, साल हो गई मेरे को परेशान हो गए। नौ मतलब साल हो गए? आश्वासन नहीं मिला, पर कोई इलाज नहीं मिला। तो आज आपको क्या आश्वासन दिया कि और अनेक किसने दिया? साहब ने बात करी, तहसीलदार ने करवाई थी पूरा आश्वासन, और मुझे विश्वास भी है कलेक्टर साहब इलाज करवाएंगे बच्चे का, कि मेरे से विश्वास कर मैं इलाज करवाऊंगा। आगे बात करूंगा, जयपुर भी लेके चलूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा और CM के पास मिलवाऊंगा और बच्चे का इलाज करवाऊंगा। मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे कलेक्टर साहब, और आपको आश्वासन दिया उन्होंने। कितने हाँ, दिन के लिए बोला? अभी चुनाव का समय भी चल रहा है इस टाइम, कल नौ 5 दिन का मेरे को टाइम दो, 5 दिन के 5 दिन भीतर। का टाइम। तो आप दुखी होकर टंकी पर चढ़ गई हाँ, थी, दुखी कितने होके बजे चढ़ी थी आप टंकी पर? सुबह 11 बजे। 11 बजे समथिंग, 11 बजे के समथिंग ये पानी की टंकी पर चढ़ गई थी और अब कलेक्टर ने इनको आश्वासन दिया है। उसके बाद अब ये उतरी हैं और इनका नाम है सुनीता मीणा और इनके बेटे का नाम है अमन मीणा, जो बाणवास के बंदावाड़ा गांव के निवासी है। और अमन मीणा के पिताजी एक बैंक में सर्विस करते हैं, लेकिन 18 करोड़ रुपए का टीका नहीं लगवा पा रहे हैं बच्चे के। अब अमन मीणा से बात करेंगे। अब इसको थोड़ी सी मतलब सांस लेने में कभी कभी परेशानी आ रही है। तो अमन मीणा जी, अब आप क्या कहेंगे बताइए, जनता को और सरकार को क्या कहना चाहते हैं? अमन इलाज कराओ, पूरी बात बताओ भाई। क्या आपका नाम क्या है? मीणा, अमन मीणा। तो फिर क्या कहना चाहते हो भाई जनता से, भाई कि जनता और सांसद महोदय और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हो कि ऐसे लाखों करोड़ों बच्चों में से एक दो बच्चे ऐसी ऐसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, इनका इलाज करवाओ। आपको कब से परेशानी हो रही है? अभी कितने दिनों से परेशानी महसूस कर रहे हो आप? 8 साल से? 8 साल। 8 साल से? तो फिर अब बेड पे से उतर नहीं पाते आप, न चल पाते? फिर प्यार नहीं चलवा। नहीं चल पाते? जब हम हॉस्पिटल में गए थे तो तब ये बिल्कुल ऑक्सीजन इनके लग रही थी, रिया हॉस्पिटल का हमने आपको लाइव दिखाया था। और अब इनके घर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज अभी इनकी मम्मी बाणवास से आई है और इनके पिताजी भी आए हैं। वो इनकी माँ काफ़ी पीड़ित थी इनको लेकर, बच्चे को लेकर, और वो पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। अब कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, सैनी साहब की अपील पर वो वापस उतरी है और उन्होंने 5 दिन का टाइम मांगा है कि भाई मुख्यमंत्री साहब से हम आपको मिलवाएंगे और हम आपको ले चलेंगे यहाँ से। ये इनकी माँ है। और अब आप क्या कहना चाहती है, एक बार और बताओ सीधी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ बच्चे का इलाज करवाओ। बच्चे का इलाज करवाएं और मैं भाई। दुखी होके चढ़ी हूँ, कोई माँ ऐसी नहीं है इतनी ऊपर चढ़ेगी और इलाज करवाओ। कलेक्टर साहब से पूरी विश्वास है, तहसीलदार जी ऊपर चढ़ के मेरे से बात करवाई, वे उतरे और चढ़े फिर मेरे साथ ही उतरे, मैं कलेक्टर साहब के पास ले चलूंगा और हम जयपुर चलेंगे, जयपुर ले जाएंगे। कलेक्टर साहब ने बोला, मेरे से फोन पे बात की कि मैं जयपुर लेके चलूंगा, तो मैं मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा और बच्चे का इलाज करवाऊंगा। दिल्ली में, एम्स में, कहीं भी जो भी बात करनी पड़ेगी मैं पूरा विश्वास कर देता हूँ तुम्हें।
जी देखिए, इनकी माँ अमन मीणा की माँ सुनीता मीणा, इनका कहना है, और इनके पिताजी भी यहीं हैं अमन जी के। बताइए साहब, आप भी वहीं गए थे आज सब, हाँ सर, मतलब आपको मैं घटना का पता चला, एक घंटे बाद गया था। मैं तो आपको घटना का लेट पता चला, लेट पता चला, ये सुबह निकल गए, मुझे पता नहीं चला। बिना बताए चले गए यहाँ से। कल भी बिना बताए चले गई थी, लेकिन कल तो हम वापस इसके गांव चले गई है, पता चला है गांव गई, क्योंकि दुखी थी ये। काफ़ी दिन से मेरे से कह रही है कि 8-9 साल हो गई, कहाँ तक विश्वास करूँ मैं सही है, सही है। आपका। विश्वास करते करते, सरकार का विश्वास करते करते थक चुकी हूँ। मेरा बच्चा आज ये कंडीशन में आ गया, तो और आज गांव के और जो आम नागरिक है, विधायक सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं तो हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को दवा कैसे भी करके दवा दिलवा दी सर, दवा आनी चाहिए आपके मेरे बच्चे से के दवा लिए। चाहिए मुझे। मैं ये देखिए, अमन मीणा के पिताजी काफ़ी दुखी हैं, बैंक में हैं, और अगर ये पूरी संपत्ति को भी बेच दें तो भी 18 करोड़ रुपए ये नहीं इकट्ठे कर सकते, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार 18 करोड़ रुपए करने लेने में असमर्थ होता है, जुटाने में असमर्थ होता है। ये तो जनता की सहयोग से इकट्ठे हो सकते हैं, जनता भी भामाशाह कोई विधायक सांसद या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार इस तरीके का नियम बनाए कि भाई इस तरीके के बच्चे जो आते हैं बीमार होते हैं, DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से, इसका इलाज विदेशों में है, मोदी जी इसका इलाज करवा सकते हैं, और अनेकों जो बच्चे हैं भारत में अंदर उनका जीवन दे सकते हैं उनको। ये लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पर और जी न्यूज़ पोर्टल गंगापुर सिटी पर हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अमन मीणा के घर से बंदवाड़ा के रहने वाले हैं, बाणवास तहसील है इनकी और ज़िला गंगापुर सिटी राजस्थान के हैं। इनका इलाज करवाया जाए, और इनकी माँ भी यहीं बैठी हुई है, अभी आई है ये, और इनके घर पे हम दोपहर 2 बजे के समथिंग से ही थे, लेकिन प्रशासन ने इनको काफ़ी मशक्क़त के बाद उतारा, तो हम यहाँ पे इनको लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके घर का हमको पता नहीं था पहले, तो यहीं बैठे हुए थे हम ईदगाह के पास में, तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक आएंगे ये। गंगापुर सिटी से सीधी लाइव तस्वीर है, अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, क्योंकि ये बच्चे का असाध्य बीमारी है। इस प्रकार की बीमारी करोड़ों लोगों में एक दो बच्चों को होती है, एक धौलपुर में है और एक गंगापुर सिटी में है ऐसा प्रकरण। अधिक से अधिक लाइव करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।